तो भाई आज मैं रेल में बैठ कान लग रहा हूँ अपने घरा। कई दिन बाद ताऊ के घर तय और भाई साहब मैंने यार गलत सीट पकड़ ली बहुत ज़्यादा। यो कति लेटरिन बाथरूम के साइड की सीट पकड़ ली यार, इतनी बूंदी बदबू आने लग रही कि के बताऊँ। फिर मैं उठ को अपना कति गेट के कोने पर आ गया यार, एक नंबर के नज़ारे दिख रहे भाई। इतनी देर में मेरा सोनीपत गाँव आ गया और भाई साहब सोनीपत आए पाछे मैं अपना यो ट्रेन में तो उतर लिया। उतरे पाछे मैंने 100% पता था कि मैं घरा जाऊँगा ना इतने दिन बाद, तो मारे कुत्ते भाई साहब देखते कति मैंने पागल हो जाएंगे यार भाई। वाह बात बनी। हाँ बस 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 ओ बुकी लालू, हाँ बस बेटा बस 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 भाई 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 मान जा प्लीज 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 भाई 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 दूध की थाली गर्म दो भाई प्लीज प्लीज। बहुत दिन हो गए थे ना शादी में मने है याद कर रहे थे तब मने हाँ बेटा के ओए मिक्की भी आ गई। ओए मिक्की, ओए लालू, ओए बस 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 चलो बहुत प्यार कर लिया। हाँ बुकी बस अरिंत मिलन के बाद भाई साहब मैं आया अपने कमरे में। 10 दिन के बाद मैंने अपना कमरा देखा भाई साहब, दादा दादी राम राम और भाई उसके बाद चारों कहना मैंने नज़र दौड़ाई, मज़ा सा आ गया यार। जित अपना कमरा है ना, बंदा रहे ना जित उसने भूल नहीं सकता भाई साहब। उसके बाद मैंने एक मस्त चाय बनाई इलायची और अदरक वाली और करके अपने स्पीकर ऑन बढ़िया बढ़िया गाने सुने और भाई साहब चाय के मज़े लिए और उसके बाद भाई साहब चला गया मैं कति रिलैक्स मोड में। इसी के साथ व्लॉग का दी एंड।